नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिरने से अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। घटना को 5 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स यानी ITBP ने एक हवाई सर्वे किया है। ITBP के एरियल व्यू में साफ हुआ कि ग्लेशियर टूटने के बाद ऊंचाई में पहाड़ों में कई जगह भारी जल जमाव हुआ है। ITBP ने राज्य के डिजास्टर डिपार्टमेंट के साथ पूरा वीडियो और फोटो शेयर किया। ऊंचाई के इलाकों में इस जल जमाव से खतरा हो सकता है। ITBP ने आधिकारिक तौर पर कई एजेंसियों को खतरे के ये वीडियो और फोटो शेयर किए हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटकर गिरने से रविवार को अचानक आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। यहां चल रहे कई पावर प्रोजेक्ट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही इन प्रोजेक्ट्स की जगहों पर काम कर रहे 34 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू टीम अभी भी सुरंग में फंसे हुए लोगों से 60 मीटर दूर है। सुरंग में फंसे लोगों को निकालने के लिए नए प्लान पर काम किया जा रहा है, जिसके तहत ड्रिलिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं रैणी गांव से श्रीनगर तक लापता लोगों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।